आज हमारा रैंक पुशिंग का 32वां दिन एंड आज वाले गेम प्ले में जो हुआ है ना एंड में, मतलब भाई आप बोलोगे पारस भाई ओपी बोलते, तुमने ये क्या किया पारस भाई, तुम पे से विश्वास उठ गया आज। मतलब आज आपको मैं दो गेम दिखाने वाला हूँ, इस गेम के लास्ट में एक गलत सीन होने वाला है एंड उसके अगले मैच में जो हुआ है वो भी गलत ही सीन था, बट आपको देख के पता चलेगा। सबसे पहले मैं गाड़ी पे लैंड करता हूँ क्योंकि आजकल मैं किसी घर पे या फिर अपार्टमेंट में लैंड नहीं कर रहा क्योंकि वहाँ पर पहले से बंदे उतर जाते हैं तो माइनस रहने का डर होता है। अभी मेरी जो रैंक है वो 3000 के आसपास चल रही है तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, पहले एक बार कॉन्कर कर लेते हैं थोड़ा सेफ खेल खेल के एंड उसके बाद हम रश खेलेंगे, फुल बूम बाम मचाएंगे, ठीक है। पहले कॉन्कर लगा लेते हैं धीरे धीरे, उसके बाद है ना। अब चलते हैं बंदों की तलाश करते हैं। अब यहाँ पर मैं निकला गड्डी लेके सड़क पे, एक बोट आया, फिर मैंने उसको उड़ा के उसकी पेटी को लूट आया, वो सीन हो गया। तो यहाँ पर मैंने इसकी पेटी लूटी, पेटी लूटने के बाद हम इधर से निकलेंगे क्योंकि हमारे पास कुछ भी नहीं था अभी तक, मैं सिर्फ बोट की तलाशी कर रहा था एंड बोट के पास मिला क्या भाई, M4 एंड M762। और क्या चाहिए जिंदगी में भाई, Level 2 की वेस्ट, Level 2 का हेलमेट, मतलब ऐसा बोट अगर हर मैच में मिल जाए ना तो जिंदगी सफल है, लूटने की दिक्कत ही खत्म भाई। एमओ भी मिल गई, गन भी मिल गई, वेस्ट हेलमेट भी मिल गया, और चाहिए क्या जिंदगी में, जिंदगी तो सफल हो गई। आज इस वाले बोट ने मुझे काफी खुश कर दिया। अब इस वाले बोट को मारने के बाद मैं और बोट ढूंढने लग जाता हूँ, खाली जगहों पे जाता हूँ जहाँ पर ओपन में बोट दिख जाए, है ना। तो यहाँ पर मैं बोट ढूंढता हूँ एंड तब तक आप वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब 10-12 घंटे से मैं बोट की तलाश कर रहा था, बोट तो मुझे मिला नहीं, बट यहाँ पर मेरा लालच जाग गया क्योंकि ड्रॉप गिर गया था। एंड भाई साहब यहाँ पर जो बंदे ने स्प्रे किया ना भाई, तुरंत ही मेरा टायर फोड़ दिया उसने एक ही स्प्रे में। तो मैंने बोला पारस भाई यहाँ से तो भागना ही सही है, अगर यहाँ पर रुका तो यहाँ पर मेरी चटनी बन जाएगी। अब यहाँ पर मुझे माइनस नहीं करवाना था तो मेरी गाड़ी का टायर भी फट गया था और वो जो बंदा था मेरा पीछा कर रहा था मुझे पता चल गया था, है ना। तो मैंने सोचा इस वाले शैक पे आके होल्ड कर लेते हैं, छोड़ो ड्रॉप को, इस मैच में थोड़ा लालच कम करते हैं एंड इस मैच में थोड़ा सेफ खेल के ना थोड़ा प्लस कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट मैच में फिर से ड्रॉप लूटेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ो यहीं पर होल्ड करेंगे हम आज। अब आप मानोगे नहीं, पिछले 10 मिनट से मैं इसी शैक पे बैठा हुआ था एंड भाई पिछले 10 मिनट से मैं जोन में भी था, बट अब जोन बन जाता है तो मैंने सोचा चलो जोन में जाते हैं। 35 बंदे बचे थे, अब अगर मैं मर भी जाता तो मेरा माइनस नहीं होता, तभी मुझे सामने एक बंदा दिखता है। भाई साहब यहाँ पर मैंने इसे कैसे मारा मुझे नहीं पता, बट भाई उस बंदे ने भी मुझे अच्छा मारा, मतलब पहले उसने मुझे काफी डैमेज दे दिया था। अब यहाँ पर मैं लूट ही रहा था तभी यहाँ से गाड़ी आती है, मैं फायर नहीं करता क्योंकि मैं फायर करता तो यहाँ पर वो उतर के मेरे पे फायर कर देता है ना, तभी वो बंदा मुझे दिखता है, वो शैक पे जाके रुका। अब मैं सोचता हूँ कि पहले हील कर लेता हूँ उसके बाद इसको मारने की कोशिश करूंगा, बट फिर मैंने सोचा नहीं यार इधर से निकलना ही सही रहेगा क्योंकि इस वाले मैच में मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता था क्योंकि मुझे लग रहा था ये वाला मैच मेरा खराब जा सकता है क्योंकि इस वाले मैच की शुरुआत ही काफ़ी बेकार हुई थी। तो मैं दुम दमा के इधर से भाग जाता हूँ, अगला जोन बन जाता है तो मैं सोचता हूँ चलो एक अच्छी सी लोकेशन पे जाके होल्ड कर लेते हैं, मैं आ जाता हूँ यहाँ पर शेल्टर पे एंड शेल्टर की एक गुफा में घुस जाता हूँ। अब यहाँ पर मैं शेल्टर की गुफाओं के नज़ारे लेने आया था बट यहाँ पर कोई फिरकी लेने आ गया मेरी पीछे से। भाई साहब यहाँ पर जो ये बंदा मरा है ना, कसम से बोल रहा हूँ बहुत गलत मरा है मिस्टर लूसीफर, इसने मार देना था मुझे, इजिली मार सकता था मुझे, काफ़ी अच्छा स्प्रे किया इस भाई ने भी, बट इसको हमने किसी तरीके से मारा। इसको मारने के बाद भाई इसकी पेटी तो लूट नहीं सकता था क्योंकि जोन इतना छोटा था, 30 बंदे बचे हुए थे। तो मैंने सोचा थोड़ी देर हम यहीं पर होल्ड करते हैं, मैं शेल्टर के अंदर भी नहीं जा रहा था, क्या पता अंदर कोई पहले से कैम्प करके बैठा हो, तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था, इस वजह से मैं ऊपर ही रहता हूँ एंड पौड़ियों पे जाके बैठ जाता हूँ थोड़ा सा अंदर जाके एंड उसके बाद यहीं पर हम होल्ड करेंगे। अब यहाँ पर मैं काफ़ी देर से होल्ड कर रहा था, जोन में जाना था मुझे, मैं जोन में क्यों नहीं जा रहा था क्योंकि मेरे पीछे एक गाड़ी वाला आके रुका हुआ था, अभी ये गाड़ी चली। भाई इस बंदे को देखो कितना डैमेज दिया मैंने, भाई ये जोन से ही मर गया। इसको मैंने स्प्रे किया, अगर मेरे हाथ में M4 होती तो मैं M4 से मार सकता था, बट मैंने बैरिल क्यों पकड़ रखी थी मुझे पता नहीं, बट यहाँ पर मैंने बहुत गंदा हगा, मेरा एक किल भी गया। अब यहाँ पर मेरा आराम से चिकन डिनर हो सकता था, अभी मैं हगूंगा देखना कितना बुरा वाला। अब यहाँ पर जोन काफ़ी छोटा है, ऊपर से मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है, मैं बाइक पे हूँ, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ ना, एज पे जाके अपनी बाइक को गिरा देता हूँ एंड उसी के सामने लेट जाता हूँ। मेरे पास हेल्थ भी देखो भाई 50% से भी कम की हेल्थ है,
अब यहाँ पर किस्मत मेरी अच्छी होती है कि भाई मेरे पे कोई स्प्रे नहीं करता, जब मेरे पे कोई स्प्रे करने की कोशिश करता है तब तक मैं उतर जाता हूँ। यहाँ पर मुझे अच्छी लोकेशन लगती है, मैं उतरता हूँ, बाइक के आगे लेट जाता हूँ। अब कोई कितना भी मेरे सामने से मार ले, बाइक पे ही लगेगी गोलियां। अब मुझे सामने वाले की लोकेशन का पता था तो मैंने सोचा पहले हेल्थ लगाता हूँ। अब सामने वाले को मैं मारने की कोशिश करता हूँ बट एक भी गोली कनेक्ट नहीं होती उसे। एंड फिर से मैं एक बार ट्राई करता हूँ एंड भाई पट से हेडशॉट पड़ता है बंदे के और बंदा मर जाता है। अपने 4 किल हो गए थे। अब यहाँ पर सीन देखना कितने गलत गलत होंगे। अभी मेरे बिल्कुल साइड में एक गाड़ी आके रुकी है जिसका मुझे साउंड आया। अभी ये देखो UMP चला रहा है, गोडल जोनी करके कोई है एंड इसने जीजा जी को मारा, शायद जीजा करके कुछ था बंदे का नाम। अब यहाँ पर मुझे जोन में थोड़ा सा आगे जाना था 12 मीटर, तो मुझे रिस्क बिल्कुल भी नहीं था। मैंने सोचा बाद में आराम से निकलूंगा एंड यहाँ पर मैं आउटफिट गिरा देता हूँ ताकि दूर से ना चमक जाए केकड़ा रेंगता हुआ। तो मैंने यहाँ पर आउटफिट उतारी एंड धीरे धीरे जोन में जाएंगे जब हमें जोन में जाना होगा। अब यहाँ पर आसपास काफी सारे बंदे थे, मुझे पेड़ के पास एक बंदा नजर आ रहा था हल्का सा एंड उसके अलावा सामने पत्थर पे भी बंदा था। अब जो पेड़ वाला बंदा था कम से कम 3 गोलियां उसे कनेक्ट हुई बट 10 या 20 HP वो बचा होगा, वो मरता नहीं है। मैंने रैंडम फायर ही किया था, उसके बाद मैं उसे मारने की कोशिश भी नहीं करता क्योंकि यहाँ पर मुझे जोन में निकलना था, जोन चल पड़ा था। अब स्मोक के अंदर भी एक बंदा था बट वो बंदा बाद में दिखेगा मुझे एंड इसको भी मैं मार नहीं पाता हूँ। देखो मैं देखने की कोशिश करता हूँ, 5 बंदे ही बचे थे, ज़्यादा बंदे थे भी नहीं। और ऊपर की साइड भी मेरे एक बंदा था जो कि अभी नेड वगैरह, वो देखो सामने भागा बंदा, मैंने फिर से नहीं मारा। भाई एक तो मेरी ये आदत बहुत खराब है कि इतने छोटे जोन में ना उठ के स्प्रे करता हूँ, मैं लेट के स्प्रे नहीं करता। लेट के करना चाहता हूँ बट मैं कर नहीं पाता लेट के स्प्रे क्योंकि घास इतनी होती है, भाई कैसे एम लगाए बंदा, है ना। अब काफी सारे बंदे मैंने ऐसे देखे हैं जो घास में भी भाई इतना अच्छा स्प्रे करते हैं ना, भाई उनको तो भाई मैं क्या ही बोलूँ, सल्यूट है उनको भाई, उन्होंने इतनी प्रैक्टिस कर रखी है। बट मैं घास के अंदर लेट के स्प्रे नहीं कर पाता, मुझे क्राउच करना पड़ता है। अब यहाँ पर सीन क्या होगा, मैं जोन में पहुंच गया दोबारा से, इस वाले बंदे को भी मैंने ही मारा था, है ना। इसकी पेटी लूटते हैं, इसकी पेटी लूटने के बाद यहाँ पर देखो क्या सीन होता है। अब इस वाले बंदे की पेटी से मुझे काफी सारी लूट मिल जाती है। मुझे लग रहा था कि इस बग्गी के पास कोई है तो यहाँ पर मैं नेड वगैरह करने लग जाता हूँ ताकि अगर कोई होगा तो वो मर जाएगा। एंड सामने एक पत्थर था जहां से एक बंदा बार बार स्प्रे कर रहा था एंड पीछे से भी स्प्रे आता है, मैं देखने की कोशिश करता हूँ। एंड भाई पीछे वाले बंदे को तो इजीली मार देते हैं हम। पीछे वाले बंदे को मारने के बाद अपने 5 किल हो गए थे, इजी चिकन डिनर हो सकता था। एक बंदा पत्थर पे था जिसकी लोकेशन मुझे पता थी, एक बंदा ऊपर की साइड कहीं पर था उसकी लोकेशन तो नहीं पता थी मुझे बट वो मुझे मार नहीं सकता था, मुझे इतना पता था। एंड इस वाले बंदे की पेटी से थोड़ा सा सामान और निकालता हूं मैं एंड मुझे अब जोन में जाना था। सबसे बड़ी गड़बड़ यहां पर हो गई। अब यहां पर मैं हगूंगा बहुत गंदा वाला, भाई तुम बोलोगे पारस भाई क्या है यार तुम नूब प्लेयर हो, सही में मुझे नूब बोलोगे, मैं खुद को नूब बोल रहा हूं भाई आज। मतलब इतना गंदा कैसे कोई हग सकता है मुझे समझ नहीं आ रही, मतलब मैं क्या बोलूं यार। मैं यहां पर सबसे पहले स्मोक करता हूं ताकि मैं जोन में जा सकूं थोड़ा सा आगे। अब स्मोक करने के बाद यहां पर मैं बैठ जाता हूं अपनी बग्गी पे एंड उसी ट्रिक को यूज करता हूं जिस ट्रिक को यूज करके मैंने काफी सारे बंदों को मारा है। मैं देखने की कोशिश करता हूं कि बंदा दिख जाए मुझे बट भाई वो तीसरा बंदा मुझे दिखता ही नहीं है। एक बंदे की लोकेशन का तो मुझे पता था जो पत्थर पे था बट दूसरे बंदे की लोकेशन का मुझे ना पता नहीं चल रहा था वो है कहां पर। अब आगे की तरफ मैं 2-4 स्मोक और कर लेता हूं ताकि मैं बग्गी उठा के सीधा जोन के अंदर जाऊं, स्मोक के अंदर जाके बग्गी को खड़ा कर दूं एंड बग्गी के अंदर बैठ के मैं बंदों को देखूं। अब यहां पर जैसे ही मैं जोन में आता हूं मुझे लगता है कि बग्गी स्मोक में है बट आधी बग्गी स्मोक में होती है। मैं सीट चेंज करता हूं तो मुझे पता चलता है भाई यहां पर तो मैं दिख रहा हूं, तो मैं बीचों बीच करता हूं एंड उसके बाद यहां पर मैं बैठ जाता हूं। एंड देखो बंदा रेंगता हुआ दिखा मुझे, मैंने हेड मारा उसे। अब मैं जोन के बाहर हूं, सबसे बड़ी गड़बड़ ये हो गई मेरी। मुझे लगा मैं जोन के अंदर हूं बट मैं जोन के बाहर था। अब सामने वाले की लोकेशन का मुझे पता है। अब ये दोनों किल मेरे थे बट यहां पर मैंने थोड़ी सी गलती की, थोड़े सी हगने की वजह से मैंने यहां पर पूरा मैच अपना खराब कर लिया। अब सामने वाले बंदे की लोकेशन का मुझे पता था, ठीक है हल्का हल्का वो मुझे दिखेगा अभी बट मैं उस पर स्प्रे करता हूं बट स्प्रे होता नहीं है क्योंकि वो रिज पे था एंड उसके बाद मशीन गन थी, मशीन गन का फायदा उठाया उसने, उठ के वो मेरे पास आ गया, अंधाधुन गोली का फायर किया उसने। यहां पर देखो होता क्या, खुद देखो सामने बंदा दिख रहा है जब वो नेड फेंक रहा है ना, वो दिख रहा है देखो नेड फेंकते हुए दिख रहा है, उसका हाथ भी दिख रहा है
और वो वैसे भी दिख रहा है बंदा मुझे, बट मैं उसे मार नहीं पा रहा हूँ भाई। मतलब ये रिज की वजह से ना मेरा पूरा मैच खराब हो गया। अब यहाँ पर मैं क्या गलती करूंगा ना, मैं उठ के मारने की कोशिश करूंगा, जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी। देखो ये सबसे बड़ी गलती, ये थी मेरी सबसे बड़ी गलती भाई। मुझे उठना नहीं चाहिए था, मुझे रेंग रेंग के आगे जाना था। रिज था, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं उसे मार सकता था। बट चलो ठीक है, फिर भी अच्छा खासा प्लस हुआ मेरा। अब चलते हैं नेक्स्ट मैच में। नेक्स्ट मैच में मैं अपनी पुरानी लोकेशन पे लैंड करता हूँ एंड मैं सोचता हूँ कि चलो आज यहीं से मैच स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कोई अच्छी सी लोकेशन मुझे नज़र नहीं आ रही थी। रास्ते पे मैंने गाड़ियाँ ढूंढने की कोशिश की, गाड़ी भी कोई नज़र नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा चलो घर पे ही लैंड करते हैं, गन वगैरह लूटते हैं एंड उधर से निकलेंगे बंदों की तलाश में। अब थोड़ी सी लूट वगैरह करने के बाद मैंने सोचा चलो अब निकलते हैं गाड़ी की तलाश में। तभी मुझे यहाँ पर एक बोर्ड दिखता है, इस वाले बोट को मारने के बाद इसकी पेटी लूटूंगा मैं जाके, एंड इसकी पेटी लूटने के बाद हम निकलेंगे गाड़ी की तलाश में। अब गाड़ी तो मुझे मिल गई थी, गाड़ी मिलने के बाद मैं काफी देर से बंदों की तलाश कर रहा था, बंदे तो मुझे मिले नहीं, बट मुझे ड्रॉप दिख जाता है। अब मैंने ठान ली थी इस वाले ड्रॉप को तो मैं ही लूटूंगा, चाहे कोई भी आ जाए, उसके बाद फाइट क्यों ना करनी पड़े। तभी मुझे बग्गी का साउंड आता है, मैं बग्गी वाले को ठोकता हूँ ताकि वो ठुके और इधर रुके, बट वो रुकता नहीं है, वो निकल जाता है सामने की तरफ। मैं उतर के देखने की भी कोशिश करता हूँ, उसके बाद मैं आ जाता हूँ इस वाले घर पे एंड मैं सोचता हूँ ना घर पे आके होल्ड करते हैं एंड यहाँ पर बंदे को मारेंगे। वो बग्गी वाला फिर आ जाता है, मैंने बोला अब तू आ जा कोई दिक्कत नहीं है। मैं उतरता हूँ, भागता हूँ इसकी तरफ एंड भाई ये बंदा तो लगभग मार ही देता मुझे, यूट्यूब विक्की करके था कोई। अब बंदा अच्छा खेल रहा था, मेरे पास वेस्ट हेलमेट एक एक लेवल की थी, लगभग मुझे मार ही देता। उसके बाद गन भी खतरनाक वाली थी, धम 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 बज रही थी, पता नहीं कौन सी गन थी, वो जो न्यू वाली गन है शायद वो वाली होगी इसके पास, जिसमें 5K एमो लगती है। अब इस वाले बंदे को मारने के बाद यहाँ पर मैं होल्ड करने लग गया था ताकि कोई और अगर ड्रॉप लूटने आए तो उसे भी मारें। अब यहाँ पर थोड़ी देर होल्ड करेंगे एंड उसके बाद जो बंदे को मारा हमने उसकी पेटी लूटेंगे एंड उसके बाद ड्रॉप भी लूटेंगे, फिर निकलेंगे और बंदों की तलाश में। अब काफ़ी देर से मैं होल्ड कर रहा था, कोई आता तो है नहीं ड्रॉप लूटने, बट यहाँ से एक गाड़ी गुजरती है, मैं उसको मारने की कोशिश करता हूँ। एक हेड कनेक्ट होता है बट वो बंदा निकल जाता है। तभी एक और गाड़ी आती है बट ये भी निकल जाती है, तो मैं सोचता हूँ कि चलो जोन में ही निकलते हैं, छोड़ो अब कोई नहीं आने वाला, जिसने आना था वो आ गया। अब यहाँ पर मैं स्मोक करता हूँ, सबसे पहले इस वाले बंदे की पेटी लूटता हूँ जिसको हमने मारा था एंड उसके बाद ड्रॉप लूटेंगे। अब यहाँ पर ड्रॉप से मुझे मिल जाती है एम के उठाता हूँ मैं फटाफट से, इसे रिलोड करता हूँ एंड इधर से निकलता हूँ। एंड यहाँ पर बहुत ही गलत सीन होने वाला है, एक बंदा आता है उसे मैं मारने की कोशिश करता हूँ बट वो मरता नहीं है। बाद में वो बोलता है भाई पारस भाई छोड़ दो, पारस भाई छोड़ दो, मेरा माइनस हो जाएगा, देखना अभी। यहाँ पर मेरा एम लॉक हो गया, एक ही जगह पे स्टक हो गया था एम, बट मैंने उसे डैमेज दिया। डैमेज देने के बाद मैं सोचता हूँ ना चलो इसका पीछा करते हैं, इसे मारते हैं। अब जिस घर पे जाके ये रुकता है वहाँ पर जाके ये पारस भाई छोड़ दो करने लग जाता है। मैं चाहता तो छोड़ देता, बट यार अगर मैं इसे छोड़ देता और मैं गाड़ी में बैठ के जाने लगता और ये मुझे मार देता, क्या भरोसा इसका है ना। अगर ये सब्सक्राइबर होता तो ये पहले बोल देता ना, कूदने लग जाता। ये भागा पहले, यहाँ पर हील करता है, मुझे साउंड आ रहा था कि वो हील लगा रहा है, तो यहाँ पर मैं जाता हूँ मारने के लिए। देखो अभी ये फाइट कर रहा है, अभी ये क्या बोलेगा, जोन आ गया ना पीछे से, अभी ये बोलेगा छोड़ दो, बोल रहा है माइनस हो जाएगा। पहले नजर नहीं आया माइनस हो जाए, पहले फायर कर रहा था, अगर ये फायर में आ जाता मैं तो मर जाता, मेरा तो काम खत्म था। हेलो पारस भाई, तो मैं इसे रिप्लाई नहीं देता, मैं सब कुछ सुन रहा था हॉल पे, मैं इसे रिप्लाई नहीं देता क्योंकि मैं फाइट करना चाहता था। मैं इसको एंड घुस के मार देता हूँ एंड अब भाई तुम बताओ मेरी क्या गलती भाई। वो बंदा मेरे से फाइट कर रहा है और अचानक से वो बोल रहा है कि भाई मत मारो मतलब माइनस हो जाएगा, ऐसा कैसे यार। अब क्या ही बोलूँ, यहाँ पर मुझे बुरा भी लग रहा था बट यार गेम है, गेम में तो फाइट अगर तुमने ली है तो उसे कंप्लीट करो, ठीक है ना। तो यही बोलना चाहूंगा मैं, जो भी बंदे इस वीडियो को देख रहे हैं, एक बार अगर फाइट स्टार्ट हो जाती है ना उसके बाद एंड मत करो, उसके बाद या तो तुम मुझे मार दो या तो मैं तुम्हें मार दूंगा, वो सही रहेगा। अगर टीम अप करना है या फिर बातचीत करनी तो एंड में, बिल्कुल एंड में या फिर शुरुआत में, है ना, ये सही रहता है। अब यहां से निकल जाता हूं मैं हीलिंग वगैरह करके, क्योंकि जोन काफी छोटा हो गया था, मुझे जोन में जाना जरूरी था। अब यहां पर देखना मैं फ्लाइंग जेट बन जाता हूं, यहां पर बंदा फायर कर रहा था किसी पे, मैं पीछे से आता हूं एंड भाई इसकी गर्दन ही उड़ा देता हूं। देखा आपने भाई कैसे आवाज आई भाई गर्दन टूटने की।
तो इस वाले भाई को मारने के बाद इधर से मैं निकल जाता हूँ। एंड मैं गोल गोल गाड़ी इसलिए घुमा रहा था, कहीं पर रुक इसलिए नहीं रहा था क्योंकि अभी ना अगला जोन भी बनने वाला था। तो मैंने सोचा ना जब तक मैं गाड़ी गोल गोल घुमाऊंगा मेरी हेल्थ भी कंप्लीट हो जाएगी, इसी बहाने बंदे भी मिल जाएंगे जो ओपन में होंगे। तो मैं ना बार बार जितना भी जोन है ना, जोन के अंदर नहीं जा रहा था, जोन के बाहर बार गाड़ी घुमा रहा था ताकि जो जोन में जाने वाले बंदे अगर दिख जाए तो उन्हें मार पाऊँ। अब यहाँ पर मैं बंदों की तलाश कर ही रहा था तभी मुझे यहाँ पर एक बाइक दिखती है भाई हवा से गिरती हुई। तो मैं सोचता हूँ ये गिर रही है तो भाई ये उतरेगा भी। एंड भाई ये बंदा अलग ही नशे में था, ये आगे ही देख रहा था किसी को। अब यहाँ पर मैंने जैसे इसे मारा ना, अभी मैं भी वैसे ही मरने वाला हूँ। मैं आराम से जोन में निकल रहा था, अभी यहाँ पर देखना एक ही साथ तीन चार बंदे फायर करेंगे, देखना अभी देखो क्या होता है मेरे साथ। सबसे पहले मैं इधर आया, अभी भी मैं जोन के बाहर जा रहा था, यहाँ पर एक बंदा पेड़ के पास, इसने मारा, उसके बाद चैक वाला मारा, उसके बाद राइट वाले जो वॉच टावर उस पर जो बंदा है वो उसने मारा। अब यहाँ पर मैं बच जाता, लेटा उठ गया वापिस से, फिर से लेटा फिर से उठ गया। भाई जब सही बोल रहा हूँ, आधे से ज्यादा बार ना मैं गेम के ग्लिच की वजह से मरता हूँ। यहाँ पर अगर मैं सही टाइम पे लेट जाता ठीक है तो मैं आराम से बच सकता था, मेरे पास कवर था बग्गी का, है ना। अब यहाँ पर मरा कैसे मैं लेटा, उसके बाद ग्लिच की वजह से दोबारा उठ गया, फिर से लेटा, फिर से ग्लिच की वजह से दोबारा उठ गया। भाई यार क्या टट्टी गेम है, इस ग्लिच की वजह से ना मैं बहुत परेशान हूँ, पता नहीं भाई क्यों, बट यार छोड़ो मूड ही खराब हो गया आज तो। आज की वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।